आपके डीन हैं वो आपके स्टाफ के साथ जातिवाद करते हैं, उनके लिए आपका क्या एजेंडा है? नहीं, हमने उसकी शुरुआत कर दी है लेडी इरविन कॉलेज से कर दी है, जो हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई तो उसमें एक महिला थी जो कि डायरेक्टर थी, उसने उसकी नहीं सुनी और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई हम गए और हमने FIR भी लॉन्च कराई उसकी और आगे भी लड़ेंगे उसको। इसी तरीके से हर कॉलेज में हम उसको लेकर चलेंगे। आप आज इस बहुजन मीडिया के माध्यम से उन जातिवादी जो अधिकारी हैं आपके दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? साथ ही साथ जो आपके पीछे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में SC ST समाज के जो आपके नागरिक हैं जिनके आप हेड बने, जी सर, उनके लिए भी क्या मैसेज देना चाहते हैं? दो मैसेज उनके लिए। हमने काम शुरू कर दिया, हमने बोला ना काम शुरू कर दिया, अभी कुछ दिन कल की बात है, 2-3 सफाई कर्मचारी आए तो उनके ऊपर जो एक वो स्लब वाले बैठा रखे हैं तो उनसे काम लेते हैं वो, उनको मैंने झाड़ा, फ़ोन किया उनको, मैं कहा एक आदमी और दो इनको ताकि इनकी हेल्प के लिए कोई दिक्कत आए तो हमारे पास आए, तो उस विषय में काम कर रहे हैं सर और करेंगे आगे भी। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बाली साहब पूछिए सर, यही सवाल है हमारे कि आपने क्या रणनीति बनाई है दुश्मनों से, क्योंकि आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है, हमारी और आपकी सोच से भी ऊपर सोचता है वो। मैं आपके माध्यम से उन सभी को मैं आह्वान कर रहा हूँ, उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि जो हो रहा था उसे बंद कर दे, अब आने वाला समय उन सभी तानाशाह हिटलर उन अधिकारियों को मनुवादियों के खिलाफ हमारा हल्ला बोल रहेगा, हमारे मान सम्मान हमारे कर्मचारियों के खिलाफ कहीं भी अधिकारों में हनन जो मिलते थे उन्हें छीनने की कोशिश करेंगे तो पहले प्यार से समझाएंगे, प्यार से नहीं मानेंगे तो फिर मुझे दूसरी भाषा का इस्तेमाल हर जगह करना पड़ेगा। साथियों मैं आपके माध्यम से सबको चेतावनी देना चाहता हूँ और जो हमारे इस दिल्ली विश्वविद्यालय में जो परिवार है कर्मचारी शिक्षक और स्टूडेंट, मैं हम सब मिलके प्रधान जी और मैं सब मिलके उस एक कंबाइंड एक टीम बनाएंगे जिसमें अपने समाज से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट पे टीचर्स पे कर्मचारी पे अत्याचार होंगे वो कमेटी में लाके उस पर बहुत बड़ा आंदोलन करने की हमारी तैयारी चल रही है। इस विषय में हमारी जगह जगह बात चल रही है साथियों। आपकी इस टीम में महिलाएं भी हैं जी, महिलाओं की कितनी भागीदारी है आपकी पूरी टीम में? महिलाओं की टीम अभी हमारे साथ जो जीती हुई है 2 महिला हमारे बीच में बैठी हुई है क्योंकि हमने 2 ही पदों पर 2 महिला लड़वाई थी, एक पे वाइस प्रेसिडेंट पे हमारी उप प्रधान पे कुसुम रानी जी जीती हुई है और सह सचिव पे जॉइंट सेक्रेटरी पे श्रीमती मीना कुमारी जी हमारे बीच में जीत के आई हुई है। साथियों कुसुम जी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो आपके अधीनस्थ महिलाएं हैं जिन्होंने आपको जिताया है, जिन्होंने आपको अपनी एक अमूल्य वोट दी है? महिलाओं की ये सर हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो महिलाएं हैं जैसे हम चुनाव प्रचार में निकले थे अपनी टीम के साथ सर, तो उनकी इतनी समस्याएं हैं हर एक कॉलेज डिपार्टमेंट में, तो हम सर पूरी हमारी टीम ये कोशिश करेगी जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो उसको हम हर एक समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद मैडम। मैडम आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हम जब वोट के लिए हम हक मांगने के लिए गए कि आप हमें वोट दीजिए तो वहाँ जाके हमें पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ बहुत लेडीज़ जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं और उन्होंने हमें अपनी समस्याएँ बताई हैं, तो अब मैं आपको एक एक बात बताऊँगी तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन हम उस उन सब समस्याओं को लेकर समस्याएं मतलब एक दो समस्या बता सकती हैं सर? समस्याओं से मतलब है सर उनके साथ अगर उनके उनके साथ जो सहयोगी हैं तो उनके साथ बड़ा गंदा व्यवहार रखते हैं और उनको जाति के साथ ना उनको एक अलग दर्जा दे दिया जाता है, वो बेचारे कुछ कह नहीं पाती हैं और महिलाएं जो होती हैं आपने देखा होगा हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ जो पुरुष होते हैं वही अपनी चलाते हैं, तो वो महिलाओं से जब हमने बात करी तो वो उनको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए हो टीप में और आप हमारी समस्याएं सुनेंगे, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनकी हर समस्याओं को हम पूरी तरह से हम पूरी अपनी टीम के साथ मिलकर उनका सब जो काम होगा वो हम जरूर करेंगे सर। धन्यवाद आपकी पूरी टीम को और जैसा कि आपने विश्वास दिलाया डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर आप अपने पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद।